रखता हूँ जो मेरा कैरेक्टर है मंगरू। हमाओ छुआ नोट है कैसे थे? लक्ष्मी के कमल में कीचड़ भी लगत है ना, तब भी वो कमल ही होते। पहली बार जब ये फिल्म मेरे पास आई तब ये संजय भाई थे और पुतली का रोल जो कर रहे थे ना इससे वायुमंडल के कारण शाबाश। जो जहाँ पे पूरा इकट्ठा सब करते हैं वहाँ पे हुआ था। जो घर की साफ सफाई करते हैं वो घर के भंगी है का? और बहुत ही मजा आया, संजय भाई तो बेहतरीन कलाकार है कॉमेडी। वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग वीडियो वेरिजान। कैसे हो आप लोग? ने अगर गुठली फिल्म देखा होगा तो आप जरूर उनको देखते ही पहचान जाइए। मैं उनसे आज मिलाने वाला हूं। चलिए आज हम उनसे मुलाकात कराता हूं, फिर उनसे कुछ बातें करते हैं। थैंक यू सोनू, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। थैंक यू। इनके साथ मैं काम कर रहा हूँ बैटल ऑफ छुरिया में, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन एक्सपीरियंस। अभी तो फिलहाल हम लोग हैं शेर घाटी में, लेकिन मुंबई में भी हम लोग एक शेड्यूल कर चुके हैं और कैमरे के पीछे जो भी है वो भी एक्टर है हमारे शेर घाटी। थैंक यू जावेद फॉर डूइंग द टीओ। थैंक यू। आज मैं सर आपसे ये पूछना चाहता हूँ, गुटली जो फिल्म बनी, एक गरीब यानी कि जो काश जो छोटे काश थे उनके लिए फिल्म बनाया आप लोग, आप लोगों ने बहुत ही मतलब अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है पूरे, तो उसका क्या प्रोसेस था, कैसे कैसे कास्ट हुए थे, कैसे? पहली बार जब ये फिल्म मेरे पास आई तब ये संजय भाई थे और गुटली का रोल जो कर रहे थे ना इससे वो थे, फिर मुझे अप्रोच किया गया था तो मैंने बोला इसमें तो मेहनत बहुत पड़ी है यार, कि बहुत बड़ा एक संदेश जा रहा है। लेकिन जब वो क्योंकि मैं उसमें वाल्मीकि समाज से बिलोंग करता हूँ, जो मेरा कैरेक्टर है मंगरू, तो मैंने बोला एक दो शॉट तो ऐसा होना चाहिए जहाँ पे रियल लोकेशन में शूट करोगे, नहीं तो पूरा का पूरा झूठा हो जाएगा। तो वो करते वक्त मुझे एंटीबायोटिक लेना पड़ा, बट यू नो द आउटपुट बहुत ही बेहतरीन आया, तो आई एम सो हैप्पी। कोई कोई रील तो जो हो रहा है बहुत वायरल हो रहा है, जो 30-30 मिलियन भी व्यूज हो रहा है, और बांग्लादेश से भी ये रील शेयर किया जा रहा है बंगाली में भी, तो मैं बहुत हैप्पी होगी कि मैं खुद बंगाली हूँ। अच्छा, बंगाली में डब करके एकदम? नहीं नहीं, वो लोग हिंदी का ही दिया है, लेकिन जो नरेशन है नरेशन बंगाली में है, और वो लोग मुझे एग्जैक्टली पहचान नहीं रहे बांग्लादेश से, बोलते इसको कहीं देखा है। सो इट्स अ एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, यू नो जब काम की तारीफ होती है वही तो एक्टर को चाहिए। सर मतलब कि वहाँ ये कहाँ पे शूट हुआ था? ये नासिक का त्र्यंबकेश्वर मंदिर के आसपास हुआ था, वहाँ पे जो जहाँ पे पूरा इकट्ठा सब करते हैं वहाँ पे हुआ था, और बहुत ही मजा आया। संजय भाई तो बेहतरीन कलाकार है, कॉमेडी भी करते हैं, गोलमाल में दिखाया होगा पॉ पॉ साथ। बाकी संजय सोनू है, कल्याणी मूले है, खनय सेठ ने भी बहुत बेहतरीन काम किया, कांचन पगारे। सो मुझे लगता है कभी कोई पिक्चर जब अच्छी बनती है, जब सारे कलाकार इकट्ठे काम करते हैं और उसको ले जाने वाला होता है कैप्टन, मतलब डायरेक्टर डेफिनेटली उसके ऊपर काम करते हैं, जो कहते हैं राइटर जिन्होंने लिखा, तो उसके बाद डायरेक्टर का होता है सब कुछ श्रेय या धन्यवाद डायरेक्टर को देना। जैसे कि अभी बीच में एक फिल्म आई थी 12th फेल, जस्ट अगर कहा जाए तो अगर उसके अपोजिट ये फिल्म देखा जाए तो उससे एकदम मोटिवेशनल प्लस एक छोटे कास्ट को एकदम इस तरीके से दिखाया है सर ने, कि वो चीज हमको लगता है कि समाज में नहीं आता जल्दी उसके। जस्ट मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ सर कि आपने काफी सारे फिल्मों में काम किया है, जमीन टैंगो चार्ली मंगल पांडे समीर करके एक यूट्यूब है, थ्री स्मोकिंग पैलेस, बहुत सारी फिल्में हैं यूट्यूब में भी मेरी, बहुत सारी फिल्में हैं सुपर दत्ता करके, जियो में एक सीरीज है वंस अपॉन ए क्राइम, और भी बहुत सारे सीरीज है MXPR में है, इसमें है, तो वो तो काम है। ये रिसेंटली रिलीज हुई, इसके पहले फॉरेंसिक रिलीज हुई थी Z5 में, और फिलहाल हम तीनों ही शूट कर रहे हैं, जो कैमरे के पीछे है जावेद भाई, सोनू भाई और सुपर दत्ता मैं हूँ, तो हम तीनों एक शूटिंग के लिए आए हैं शेर घाटी। अभी अपकमिंग क्या है आप? अपकमिंग मेरी आ रही है एक पिक्चर अंतिम पड़ाव में, जिसका नाम है जगन, एक मेंटल रिटार्डेड आदमी के ऊपर है, जो मैं ही कर रहा हूँ जगन का रोल, उनके साथ मैंने थ्री स्मोकिंग बैरल्स किया था, जो यूट्यूब नेटफ्लिक्स में थी, अभी गूगल टीवी में है, 20 रुपए देकर देख सकते हैं, एप्पल टीवी में साथ फ्री में है, 3 III स्मोकिंग बैरल्स। उसके बाद मेरी रिलीज है हाँ अभी रिसेंटली रिलीज होगी, बस्तर में एक छोटा सा रोल किया, जो गांव वाले का रोल किया था उसमें, बस्तर द नक्सलाइट स्टोरी, उसमें एक छोटा सा रोल है जो 15 मार्च को रिलीज। काफी सारा सवाल है कि मैं कितना कर सकूं, बहुत ही कम है, जितना भी हो सके सबसे बहुत अच्छा लगा मिलके। तो मैं चाहता हूं मैं कैमरे के पीछे आता हूं, जावेद साहब से कुछ बात करूं। तो चलिए सर, कैसे आप? बढ़िया बढ़िया, काफी टाइम से संभाले हुए, इसके लिए बहुत थैंक यू सो मच। सब दादा की मेहरबानी है, एक्चुअली ये हमारे दादा हैं, और दादा एक्टर तो बहुत अच्छे हैं, और साथ साथ में
इससे ज्यादा ये बहुत अच्छे इंसान थे। और सर अभी यहाँ पे शेर घाटी में है, क्या एक्सपीरियंस लगता है यहाँ का? शेर घाटी बहुत मस्त जगह है जहाँ हम लोग शूट कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। कैरेक्टर क्या है? मेरा तिरंगत। हम बहुत खुश है, बहुत खुश नसीब है कि हम साथ में काम कर रहे हैं।